Alright, जी आज बहुत खुशी की बात है because this is all just really beautiful. मेरे साथ इस वक्त घर सिंगार में तशरीफ रखती हैं महजबीन साबिर साहिबा. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? और हमारे पास हैं उरूज फातिमा. अस्सलाम वालेकुम जी. उरूज, आपके पास माइक है? Alright, जी निकाल लीजिएगा अपना माइक भी. तो और ये मॉम्स कलेक्शन की तरफ से हैं और इनकी ये कलेक्शन आप देख सकते हैं. ये न्यू बॉर्न बेबीज के लिए जितने क्विल्स हैं, थ्रोज हैं, बाकी और जो उनके क्या इन्हें कहते हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स कैरी करें, कैरी बैग्स जो होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें बनाते हैं. दिस ब्यूटीफुल. अच्छा, ये चीज़ जो है ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये क्या है? ये बच्चों की जानमाज है. माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के नाम लिख के जानमाज इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों को नमाज की आदत पड़ जाए और वो अट्रैक्ट होते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज सो नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अच्छा, ये भी जानमाज है? अच्छा, ये हमने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देखा है और बॉयज और गर्ल्स की अलग कर दिया ताकि बच्चे very जो nice. हैं वो इस पे अट्रैक्ट हों और नमाज की उनको आदत पड़े. वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जस्ट प्लेन ओल्ड ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. अच्छा, ये बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये स्नगल बेड है. बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो उनको वो मूव बहुत करते हैं. ओके, इनको जैसे फ्लोर पे हम रख देते हैं इजीली, ये फ्लोर मैट भी बन जाता है. इसमें बेबी आराम से खेलता है, उसे मूव करता है जब वो. तो अच्छा जी, और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए? ये न्यूबॉर्न बेबी. वाओ, लुक एट दिस, दिस इज वेरी वेरी नाइस. ये जरा पकड़ लीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. उरूज फातिमा, आपने मेरी हेल्प करनी है. दिस इज आल्सो वेरी नाइस, लुक एट दिस. ये पकड़े. ऑलराइट, दिस इज रियली. अच्छा, इन्होंने मुझे आते ही एक बात कही, ये है तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, बट कोई बात नहीं. इन्होंने आते ही मुझे एक बात कही, हमारे यहाँ मर्द कोई भी काम नहीं करता, सारी खवातीन काम करती हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ये सब हैंडमेड है, होममेड है. हमारे घर में सब सिर्फ लेडीज काम करती हैं. माशाल्लाह. अच्छा, ये बताइए कब शुरू किया था ये? मुझे 10 इयर्स हो गए. 10 साल हो गए. और ऑनलाइन करती हैं सिर्फ? बिल्कुल ऑनलाइन. अच्छा, और ये बताइए, जैसे मैं अगर इसके बारे में पूछूं तो ये कितना एक्सपेंसिव होगा? ये थोड़ा सा मार्केट रेट से एक्सपेंसिव है. बताइए ना, हैंडमेड है ये, 2500 का होता है. 2500 का, ठीक है, मार्केट रेट में भी इतना ही कहीं होता है, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर का डिफरेंस होता है. अच्छा है, बहुत अच्छा है, 2500 में बहुत अच्छा है. अच्छा, ये आपने क्या क्विल्ट बनाई? ये क्विल्ट बनाई है, इसके साथ हमने स्लिपिंग जो कैरी नेस्ट के साथ बच्चों का क्विल्ट बनाया है. वेरी कूल. अच्छा, तो ये आपने ऑनलाइन शुरू किया? बिल्कुल. अच्छा, ये बताइए कब शुरू किया था ये? 10 साल पहले आपने ऑनलाइन से शुरू किया था या क्या फेसबुक पे शुरू कर दिया था, ये क्या था? बिल्कुल, फेसबुक पे ही ऑनलाइन स्टार्ट किया था. मेरी वालदा को बहुत ज्यादा शौक था ये सब चीजें, वालदा को देखकर स्टार्ट की हम लोगों ने, उनसे ही सीखा सारा चीज. ओके, अच्छा, और ये क्या है? व्हाट आर दीस? ये पिलोज हैं बच्चों के, डिफरेंट पिलोज हैं. तो दिस इज, ओह वाओ, स्ट्रॉबेरी बनाई हुई है. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. अच्छा जी, बिल्कुल, दीस पिलोज आर वेरी गुड. कार्टून कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट एंग्री बर्ड है, मिनियन है. हां, दिस वन इज मिनियन. हां, अमेजिंग अमेजिंग. आई डोंट नो, अच्छा, दिस इज द राइट वे. माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और चीज़ें जो बड़ी इंट्रीगिंग है, मुझे बड़ी अच्छी लगी. मैंने आते ही इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या है. ये बताएं जी, आप लोगों लोगों को बताएं ये क्या है. ये टॉय बैग्स हैं, ये बहुत सारी मदर्स के लिए इजी हो जाता है. आप साइड कॉर्नर पे, साइड टेबल पे या बेड के कॉर्नर पे निकाल के खेलते हैं. बच्चों की चीजें जो है ना, छोटी मोटी चीजें. मैंने अपनी बेटी के लिए एक स्विमिंग टब उसको ला के दिया था और वो अच्छा खासा इस मेज से भी बड़ा था बचपन में. उसने उठा के सारे टॉयज उसके अंदर डाल दिए और वो उसको निकाल निकाल के उसे खेलती है. तो दिस एक्चुअली वर्क्स, दिस इज रियली नाइस. ये लॉन्ड्री बैग भी हो सकता है? बिल्कुल, लॉन्ड्री बैग. अगर कवर लगा दें, लिड लगा दें तो लॉन्ड्री बैग भी हो सकता है. ऑलराइट, अच्छा ये बताइए, जब आपने ये काम करना शुरू किया था तो मुश्किलात आती हैं क्या इसमें? बिल्कुल आती हैं. और लोग सपोर्ट करते हैं? लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कुछ इस तरह के कमेंट भी करते हैं कि डिसहार्ट हो जाता है बंदा. कोई बात नहीं, डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको. कैसे, अब देखिए आप इतनी प्यारी चीजें बना रही हैं, कैसे आप तो हो ही नहीं सकते, आपको तो इजाजत भी नहीं है डिसहार्ट होने की. दिस इज सो ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट पिंक एंड इट्स जस्ट लवली ब्यूटीफुल. और ये इसके साथ है मेरे ख्याल में? बिल्कुल, ये कैरी नेस्ट. आप चेक तो करें, चेक तो करें, सीरियसली, इट इज रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. आपका काम बहुत खूबसूरत है. अच्छा, तो बताइए, जब आपको कोई ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तो फिर आप क्या डिसाइड करती हैं? फिर हम करके दिखाते हैं. ये बात, आई लाइक दैट उरूज. फिर हम करके दिखाते हैं, और करके दिखाना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए. अच्छा, हियर इज वन मोर क्वेश्चन. तो अब तक जो आपने बिजनेस किया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त कब था, और अगर जब मुश्किल वक्त आया तो उसे कैसे कैसे आपने ठीक किया? मुश्किल वक्त जो था, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, उस वक्त था कि हम लोगों ने ये बिल्कुल बंद कर दिया था. दिल नहीं करता था कि ये सारी चीज़ें हम करें, लेकिन जो हमारे फैमिली रिलेटिव्स हैं, मामू चाचा वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला नहीं, आपकी वालदा करती थी, आपको इतना शौक था, उन्होंने स्टार्ट किया था,
तो इसे दिल से करो और इसको और आगे बढ़ाओ ताकि आप जो है इंस्पिरेशन हमारी मदर की थी, उनकी डेथ के बाद काफी सिस्टर्स जी ओह वाओ ओके वी आर फोर सिस्टर्स जो हम लोग घर में सब काम में करते हैं, सारे काम करते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं सुबह से शाम तक। हां जी, तो कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं? ऑर्डर्स माशाल्लाह बहुत सारे हो जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे लेकिन अब माशाल्लाह क्रिएटिविटी भी बढ़ती जा रही है, ऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, और ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये कहते हैं जी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाती है और ऑर्डर्स भी बढ़ते जाते हैं, तो ज्यादा बॉसी कौन है आप लोगों में? आप बॉसी हैं, मतलब आप लग बताती हैं कि ये सबसे एल्डर हैं सिस्टर्स में, ब्रदर्स में, सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें एक भाई। 4 बहनें एक भाई, भाई तो बहुत लाडला होगा। बिल्कुल है ना, वो सबसे छोटे हैं बड़े? नहीं, 2 बहनों से बड़े हैं, 2 बहनों से छोटे हैं। ओह वाओ, ओके ओके ओके, तो दैट्स नाइस, दैट इज वेरी नाइस। तो घर में मैनेज किस तरह से होती हैं सारी चीजें? ऑब्वियसली घर का काम भी होता है, पहले हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फिर अब माशाल्लाह बड़ा हो गया तो हमने थोड़ी सी लेडीज रखी है, कुछ मेड रखी है, तो सब मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब मैनेज हो जाता है। कोई एक नसीहत अगर आप उन लोगों को करना चाहें जो आपको देख रहे हैं और जो ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह से करें, किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करना चाहिए और करके दिखाना चाहिए कि आप कर सकते हैं, सिर्फ घर में बैठ के आप फारिक मत बैठें, आप कुछ करें। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने घर में बैठी हैं ये और काम कर रही हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, काम कर रही हैं और काम करके दिखाया, और बहुत खूबसूरत काम है आपका। बच्चे जो है ये किंडर सरप्राइज का जो एग होता है वो लेकर आते थे, खाते होते, उसे देख देख के मैंने, अच्छा मैं इसको मैंने बैग की शक्ल दे दी है। इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। तो अब जब ये काम आपका बढ़ गया है तो आप इसको वैसे लेके जाएंगी, कोई अपना कोई शॉप करेंगी आप? बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरा मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत अच्छी सी आउटलेट बनाऊं। कोविड-19 की वजह से कोई प्रॉब्लम आया? नहीं आया, आपके बिजनेस वैसे ही रहा? शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो ऑर्डर्स हमने खुद से क्लोज कर दिए थे फॉर सेफ्टी पर्पस, लेकिन जब थोड़े से मार्केट्स बंद हो गई और लेडीज की कॉल आना शुरू हुई कि हमें तो ऑनलाइन ये चीजें चाहिए और हम किस तरीके से हैं, तो फिर हमने इसको मैनेज करना शुरू किया। वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे की जो है वो बेसिक चीजें होती हैं, अब ये मदर्स को चाहिए, अक्सर जगह नहीं मिलती, नहीं मिलती, और कोविड की वजह से इस तरह से हुआ कि ये मार्केट्स बंद हो गई, अवेलेबल नहीं हो सका, तो इस वजह से हमें इस काम में परेशानी नहीं आई। परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आज सिलेक्शन कौन करता है? कोई आपको स्नैप खींच के भेजते हैं जो आपके व्हाट्सएप पे शेयर होती है, या आप खुद क्रिएटिव डिजाइन करती हैं? हम खुद क्रिएटिव खुद कर लेती हैं, खुद कर लेती हैं। अच्छा, तो उसमें ज्यादा लीड कौन लेता है, किसके किसके जहन में आता है कि इसको ऐसा करना चाहिए? चारों है, मतलब कोई एक नहीं कह सकते आपके, सिर्फ एक के जहन में, ऐसे जब हम बैठ के डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो अगर जैसे फर्ज करें कोई सब देख रहा है और उनको अपने बच्चे के लिए चाहिए और उनका जो बच्चा है वो नेक्स्ट मंथ में उसकी आमद है, वो आने वाला है और वो चाहती है कि वो सर्टन तरह का आपको दे, तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर देना होता है? हम 1 वीक में डिलीवर करवा देते हैं। 1 वीक में, चाहे मेक टू ऑर्डर भी हो, आपके सिलेक्शन में से नहीं, वो कुछ आपको भेज रहे हैं। Wow, this is really nice. One week से ज़्यादा हम time नहीं लेते। एक week से ज़्यादा time ही नहीं लेते। Under 1 week हम इंशाल्लाह deliver कर देते हैं, जो भी orders होते हैं हम उनको। अच्छा, आपका insta का ID क्या है? Moms Collection। Moms Collection। फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी मॉम्स कलेक्शन। मॉम्स कलेक्शन, मॉम्स कलेक्शन, ओके ओके, और फेसबुक पे भी यही है? बिल्कुल। तो ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, फेसबुक से या इंस्टा से? फेसबुक से। फेसबुक से, तो जितने भी फेसबुक के लोग हैं वो इस वक्त इंस्टा वालों से थोड़ा सा जीत रहे हैं, तो इंस्टा वालों आप भी फॉलो करो इनको और इनको बहुत सारे ऑर्डर्स दो। सी द थिंग इज़, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेगमेंट इज़ कि ये घर के लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं और अब तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इमेजिन करें कि 10 साल पहले इन्हें नहीं पता था कि इनका काम इतना बढ़ जाएगा, जहां इनके महाना ऑर्डर्स होंगे, डेली के हिसाब से ऑर्डर्स होंगे, और कोविड-19 जैसी जैसे फेज के अंदर जहां बहुत सारे लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए, वहां इनका बिजनेस ग्रो हुआ है। बिल्कुल, बिकॉज ऑनलाइन जितने बिजनेस हैं वो ग्रो किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने देखा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पर इन लोगों को बुलाने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल आपके और मेरी तरह के लोग हैं जो अपने घरों में बिजनेसेस को क्रिएट करते हैं, ब्रांड्स को क्रिएट करते हैं। डू विजिट मॉम्स कलेक्शन, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू से थैंक यू टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। थैंक यू जी, कल सुबह मिलते हैं।